और नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम जानेंगे। आईटी टूल्स में नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी कंडीशन, हर हाल में पूछा ही पूछा जाता है। ये 5 नंबर अगर आपको अपने क्लियर करने हैं तो आप ये नंबर सिस्टम चैप्टर आराम पढ़िएगा और समझिएगा। आज मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इतना आसान बना दूंगा कि आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये संख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ये लिख लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। इसका यूज़ ज़रा थोड़ा बाद में होता है, अब मैं आपको बताऊँगा। पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। इसे लिख लीजिए आप कहीं पर, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं आईटी टूल्स में। वैसे तो बहुत से प्रकार के होते हैं, जब पर हमारे चैप्टर में, हमारे आईटी टूल्स में बस यही 4 प्रकार के हैं, ठीक है। इन्हीं चारों में से हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। 4 प्रकार के हो गए। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक चलता है, ठीक है। 0 to 9 है, 0 to 9 तक होता है। इसके बाद बेस इसका कितना होता है? 10। 0 से लेके 9 तक चला, 9 के बाद क्या आता है? 10। जो लास्ट में संख्या आती है उसके बाद जो आता है उतना ही उसका बेस होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का कितना बेस हो गया? 10। 0 to 9 तक चला, बेस कितना हो गया? 10। ये याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल देखिए। ऐसा नंबर सिस्टम आएगा 1, 2, 3, 4। ऐसे आगे और भी कोई संख्या लिखी हो सकती है, ठीक है। उसका बेस ये हो गया 10, ठीक है। ऐसे लिखा होता है। नंबर 2 पे क्या आता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम आप जानते हैं 0 to 1 होता है, 0 से 1 बाइनरी को बोलते हैं। तो इसमें क्या है? 0 to 1 तक ये चलता है और इसका बेस कितना होता है? 2। बेस कितना होता है? 2। 0, 0, 1, 0, 2 बेस कितना हो गया? 2। इसमें सिर्फ 0 और 1 संख्या ही लिखी होती है। बाइनरी नंबर जहाँ भी पूछा जाए, यहाँ भी लिखा हो, तो वहाँ पे 0 और 1 संख्या जरूर लिखी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बाइनरी नंबर में क्या होता है? 0 to 1 तक होता है। बेस कितना होता है? 2। एक लास्ट है तो लास्ट में 2 आ गया, ठीक है। अब आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 to 7 चलता है, बेस 8 होता है। 0 से 7 तक चलेगा, बेस कितना होगा? 8। 1, 4, 3, 8 बेस कितना है? 8। 7 तक चला, 7 के बाद क्या आता है? 8। अब आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये क्या है? डेसिमल, हेक्साडेसिमल आ रहा है ना, तो डेसिमल का कितना होता है? 0 to 9। तो ये डेसिमल 0 to 9 चल रहा है, हेक्साडेसिमल आ गया, तो हेक्साडे तो याद रखना 0 to 9 तक चलेगा डिजिट में। उसके बाद 9 के बाद A to F तक चलता है। A to F, ए दो 0 to 9 तक चला, फिर ए से एफ तक चलेगा। ए कितना हो गया? 10, 11, 12, D 13, E 14, F 15, ठीक है। ऐसे इसका, इसे हम आगे समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। 0 to 9 चलता है, फिर कहते हैं क्या चलता है? A B C D E F चलता है, 15 तक चलता है, ठीक है। 15 तक चला, 15 के बाद क्या आता है? 16। तो इसका बेस कितना हो गया? 16। एग्जांपल देख लीजिए, 1, 4, 3, 4, 6 16 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल टू बाइनरी कैसे निकालते हैं, ऑक्टल कैसे निकालते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इन सारे एग्जांपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। इसे मैं बेसिक से समझाऊंगा और डेसिमल से सारे नंबर सिस्टम समझाऊंगा, बाइनरी से समझाऊंगा, ऑक्टल से समझाऊंगा, हेक्साडेसिमल से समझाऊंगा। सारे नंबर सिस्टम आपको बताए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से नंबर सिस्टम सीखेंगे, ठीक है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके।